इसमें मिस और मिसेस की कैटेगरी थी, तो इनको मिस कैटेगरी में इनको फाइनलिस्ट किया गया, इनको विनर बनाया गया है। बिकॉज इनकी जब हमने ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग से उनकी मार्किंग चालू होती थी, क्वेश्चन आंसर राउंड होते थे, इंट्रोडक्शन राउंड होते थे, कैटवॉक राउंड होता था। ये सारी चीज़ें जज करने के बाद ज्यूरी के हिसाब से हमने डिसाइड किया और इनको फाइनलिस्ट किया। शो में हमारे साथ में आर्टिस्ट में थे, सिंगर थे हमारे साथ में, अरविंदर सिंह थे हमारे साथ में, केशव आनंद थे जिन्हें खुदा ऑफिस में गाना गाया है, प्लस हमारे साथ में समायरा सिंधु थी, हमारे साथ में देवांशी देव थी, और भी कई सारे आर्टिस्ट आए हुए थे हमारे शो में। रिमी सेन इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि रिमी सेन ने एंड मोमेंट पे हमसे डिमांड की, एक दिन पहले जो हमारी उनसे डील हुई थी उससे एक्स्ट्रा ओवर हमसे पैसे मांगे जो हम लोग नहीं दे पाए, इस वजह से वो रिमी सेन नहीं आ पाए। शो पे कितना फर्क पड़ा उनके साथ? उसके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा शो पे, शो हमने बहुत अच्छे से निकाला। बस उनका यही कहना था कि अगर एंड मोमेंट पे अगर मुझे इतना दोगे तो मैं आऊँगी, अदरवाइज मैं आपका नाम करा पाऊँगी, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट अभी मेरा म्यूजिक वीडियो आने जा रहा है जो हम लोग शूट करने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट मंथ ही हम लोग शूट करेंगे। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं वापस एक शो कर रहा हूँ बड़े लेवल पर, द क्लब में हम लोग शूट करेंगे और ये रनवे फैशन वीक होगा पूरा। सब बहुत अच्छे से मुझे सिखाया किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनके शो में पार्टिसिपेट करूं और मैं विनर रही। थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा गया शो हमारा और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा रिमी जी आई या नहीं आई, जो उन्होंने किया मैंने उसका उनको नोटिस मैं जवाब दे दिया है उनको, जो मेरे मतलब रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा या कुछ भी है अभी कुछ नहीं हो सकता, वो नोटिस का जवाब देंगे। शो बहुत अच्छा गया, ये विनर रही, दीपक भाई ने बहुत अच्छा किया, दीपक भाई ने पूरा शो बहुत अच्छी तरह निकाला और मैं हमेशा इनसे जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा इनको सपोर्ट करूँगा। देखिए सबसे पहले तो मैं दीपक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, सौरव भाई का, अंशु पल्लवी, मोनिका, डॉक्टर राजखाले, ये सब एक शो के फैमिली मेम्बर हैं हम लोग, सब अपने अपने पार्ट में सब ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। और रही बात हमारा दोष होता उसमें, एक शो नहीं था, फैशन शो भी था, और शो भी था, जिसे कि दीपक भाई ने बताया कि कुछ रीज़नों को लेके हमको वो शो नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने कर लिया, एवॉर्ड शो भी हमने कर लिया और कोई नाराजगी नहीं। जो भी अवॉर्ड आए थे उन्होंने हमें प्रॉब्लम समझा, हमने लोगों को समझाया तो वो प्रॉब्लम समझ के उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया और शो किया। रही बात विनर की, तो विनर इंसान कब बनता है? जब उसका टैलेंट होता है, उसमें एक हिम्मत होती है, हौसला होता है। सबसे ज़्यादा उसको हौसला मिलता है उसके फैमिली से, जैसे कि रितु ने बताया कि फैमिली ने इतना सपोर्ट दिया। तो कोई भी लड़की को चैलेंजिंग रहता है जब स्टेज पर खड़ी रहती ना, उसकी मन की बातें ना सिर्फ वही जानती है, बाजू वाले भी नहीं जान पाती है, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि यहाँ पर मैं हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगी, अच्छे से अच्छा बेटर करके जाऊँगी। तो मैं बोलता हूँ कि दीपक भाई ने जो भी ये शो लिया इस बार का वो अच्छा ही शो हुआ। हाँ, किसी को अगर ये होगा मन में कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये जो वीडियो है हमारा अभी न्यूज़ वाला वीडियो वो भी आप लोग देख लेना और ये पीसी का भी देख लेना, हम पे ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अभी फ़र्क जिसके ऊपर पड़ेगा ना वो 2-4 दिन में आप लोग के सामने हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि सौरभ भाई ने बताया हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है, एक बड़ा अमाउंट मारने का दावा किया उसके ऊपर, हालांकि वो मैसेज कर रही है सकल करने, बट हमको करना नहीं है क्योंकि इज्जत गई है दीपक भाई की, सौरभ भाई की, ऑल्सो ऑल पार्ट कि ये शो के लिए काफ़ी उसने परेशान किया, वेन्यू वाले को फ़ोन किया कि मेरे नाम पे शो हो रहा है, लेकिन दीपक भाई ने शो करके दिखाया और हम सब साथ में खड़े रहे। और आई अप्रिशिएट दीपक भाई के, दीपक भाई बिल्कुल नहीं डगमगाए, दीपक भाई ने अपने हिम्मत से काम किया और पूरा शो बिल्कुल फुलफिल करके दिया। हम उनका ऑडिशन देते हैं, सबसे पहले उनका ऑडिशन लेते हैं, उनका कैटवॉक देखते हैं कि उनका वॉक कैसा है, उनका टॉक कैसा है, उनकी जो बोलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। उनका इंट्रोडक्शन राउंड होता है, इसीलिए ये सारे ऑडिशन के थ्रू होता है सिलेक्शन। नहीं, सब जगह की आती हैं, हर सिटीज़ की लड़कियाँ आती हैं, और जितने भी मैंने शोज़ किए हैं सब सिटी के बाहर के किए हैं मैंने। अभी दूसरा मैं शो कर रहा हूँ जो बॉम्बे में मैंने किया है, ऑलरेडी मैं बहुत शोज़ कर चुका हूँ। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप, विनर होके आई हैं तो कितनी खुशी हो रही है आपको?
मिसेस इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज बाय दीपक चतुर्वेदी सर, सौरभ शर्मा सर, शैलेश भाई. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू विन दिस मिसेस इंडिया बिकॉज फॉर मी आई कैन बी द वॉइस ऑफ द वुमेन इन माई कम्युनिटी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी द विनर ऑफ द शो. थैंक यू सो मच. माई फैमिली सपोर्टेड मी ऑल थ्रू माई जर्नी. इट वॉज ब्लेस्ड टू हैव माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ एंड माई फैमिली सपोर्टिंग मी एंड माई फ्रेंड सपोर्टिंग मी. सो दे हैड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम बिकॉज आई वॉज द विनर ऑफ द शो एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी इन माई फैमिली. इससे पहले आपने क्या किया है? सर इससे पहले आई वॉन द बेस्ट मॉडल अवार्ड फॉर राष्ट्रीय एंड देन आई वॉन मिसेस नारी शक्ति प्लैटिनम अवार्ड एंड दिस वॉज द विनर अवार्ड इन दीपक सर एंड सौरभ सर एंड शैलेश भाई ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वॉन्ट टू यू नो एम्पावर ऑल द वुमेन दैट यू कैन डू बेटर इन लाइफ. एज इज जस्ट अ नंबर ऑफ पावर. So just be happy and fulfill your dreams because if you can't fulfill your dreams then it is very difficult, you know, you won't be able to go ahead in your life. So be confident in yourself and be happy and fulfill your dreams. Deepak ji, kya kehna chahenge mujhe aapke paas mein baithe liye aur kya apne criteria rakha tha main log par फैशन शो का तो वही क्राइटेरिया रहता है जैसे ऑडिशन होते हैं. तो ऑडिशन में ये आई थी मिसेस के लिए. मिसेस के लिए ऑडिशन दिया तो पहले मैं समझ ही नहीं पाया मिसेस हैं कि मिस हैं. जब इन्होंने मैं अपने पति से मिलवाया तब मुझे पता चला हाँ ये मिसेस हैं. तो मिसेस कैटेगरी में इनका जो कैटवॉक जैसे इंट्रोडक्शन राउंड होता है जैसे आपने भी देखा है सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मेहनत करने के बाद इनको पॉइंट्स मिले थे. पॉइंट्स के हिसाब से इनको विनर घोषित किया. कितनी कैटेगरी पहले होती है मिसेस की? मिसेस की 10 कैटेगरी थी और मिस की 10 कैटेगरी थी. टोटल 20 कंटेस्टेंट थे. आपका क्या कहना है? मैं ये बोलूँगा ऑल द बेस्ट. आगे भी हमारे साथ काम करेंगे. अभी हमारा जो 2 महीने बाद शो है उसमें भी ये रहेंगी. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू वर्क विद यू ऑल एंड आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद देम बिकॉज द बेस्ट पीपल आई वर्क विद दैट इज दीपक सर, सौरभ सर एंड शैलेश भाई. इट्स अ बेस्ट मोमेंट फॉर मी टू वर्क विद देम बैक अगेन. थैंक यू. शैलेश भाई कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, सौरभ भाई ने तो और दीपक भाई ने सब बता दिया. मैडम ने खुल के भी बता दिया. बस मैं वापस सही बोलूँगा जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उसमें मेरे डॉक्टर राजकाले सर हैं, दीपक भाई है, सौरभ भाई है, मोनिका और मॉडल से है, मोनिका है, पल्लवी शर्मा है, ये सब ने तो साथ दिया. वो साथ की वजह से प्रोग्राम सक्सेस हुआ. बाकी कुछ नहीं. नेक्स्ट अभी 2 महीने के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ. बॉम्बे में ही होगा, द क्लब में होगा. हम लोग करेंगे एक रनवे फैशन वीक कर रहा हूँ मैं, जिसमें अभी जैसे कि अभी हमें सबको सपोर्ट मिला था डॉक्टर राज काले सर का, मोनिका का, शैलेश भाई का, सौरभ भाई का और डॉक्टर राम कुमार है ना, राम कुमार पाल जी उनका भी सपोर्ट था. राम अवतार जी हैं हमारे, राम अवतार जी, बहुत सारे लोग थे ऐसे जाने माने हस्ती हैं जो हमने सपोर्ट किया. हम तो ऐसे ही आगे वो हमें सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. मिसेस कहाँ थी? बॉम्बे से थी, नागपुर से थी, चंडीगढ़ से थी, कानपुर से थे, ऐसे अलग अलग सिटी से आए थे मिसेस. अभी हमारा एक नेक्स्ट शो आने वाला है 26 को, ग्रीन विलेज में कर रहे हैं नीलम कोठारी के साथ, जिसमें राज काले जी हैं, मैं हूँ, मोनिका जी हैं, दीपक भाई हैं हमारे, सब लोग हम एक ही टीम है, एक ही परिवार. तो रितु भी है, हाँ, बीच में बैठी मॉडल भी है, ये भी सभी हैं, सभी हैं, और ये हम सब मिल के ही करते हैं. ये वी आर फैमिलीज. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.